आज हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं में से जो पहला डेटा स्ट्रक्चर है, दैट इज व्हाट अ सीरीज। और यदि आपके पास नॉर्मल अरे है तो सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है? अरे समझ बेटा समझ, क्योंकि बात हो रही है डेटा कलेक्शन की। सो दिस इज हाउ टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग डिक्शनरी। सिर्फ को समझने की कोशिश करिए कि पांडास आपको हर तरीके से सीरीज ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑप्शन दे रहा है। लास्ट हमने देखा यूजिंग डिक्शनरी कि यदि आपके पास डेटा डिक्शनरी के फॉर्मेट में है। हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर पांडास के इस फ्री कोर्स में, जहां लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ पांडास की बात की थी कि पांडास क्या है, क्यों हमें पांडास को यूज करना है। और फिर मैंने आपको बताया था कि पांडास बेसिकली यूजेस 3 डेटा स्ट्रक्चर, एक सीरीज, दूसरा डेटा फ्रेम, तीसरा पैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं में से जो पहला डेटा स्ट्रक्चर है, दैट इज व्हाट अ सीरीज। कि यदि मुझे अपना पांडास ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है फॉर डेटा कलेक्शन, तो कितने तरीके से हम सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं, हाउ मेनी वेज टू क्रिएट अ सीरीज। तो आप समझिए, सीरीज इन पांडास इज एक्चुअली अ क्लास जिसका ऑब्जेक्ट मल्टीपल वे में डेटा स्टोर करेगा। और हमने बात की थी, याद करो सीरीज की, कि जब भी आपको डेटा स्टोर करना है वन डायमेंशनल अरे के फॉर्म में, इफ यू वॉन्ट टू स्टोर योर डेटा इन 1D अरे फॉर्मेट, राइट। अगर आपको लास्ट लेक्चर आपने अटेंड किया है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको डेटा 1D अरे के फॉर्म में स्टोर करना है, सो दैट वी आर गोइंग टू यूज सीरीज। ओके, और सीरीज जो डेटा कलेक्शन करेगा या सीरीज को लेके हम जो डेटा एनालिसिस के लिए डेटा यूज करेंगे, वो लिस्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, वो अरे के फॉर्मेट में हो सकता है, वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में हो सकता है, राइट। तो यही हम बात करने वाले हैं कि जब हम सीरीज को यूज करेंगे तो सीरीज, जैसे मैंने भी आपको बताया, सीरीज इन पांडास इज अ क्लास। और अगर ये क्लास है तो ऑब्वियसली बात है इसमें कंस्ट्रक्टर्स होंगे। सो देयर आर बेसिकली 4 कंस्ट्रक्टर्स आर अवेलेबल इन दिस सीरीज क्लास। 1 इज एम्प्टी, व्हिच इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कि यदि आपको लगता है कि अभी एक एक करके हम प्रैक्टिकली सारी बात करने वाले हैं, डोंट वरी। यदि हमें लगता है कि हमें एक सीरीज क्रिएट करना है या सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है विदाउट एनी वैल्यूज, ठीक है, मतलब आई वॉन्ट टू क्रिएट अ एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट, राइट। अब क्वेश्चन है, सर एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करना है? तो मैं आता हूं इस पे अभी, जब मैं एम्प्टी सीरीज के बारे में डिटेल में बात करूंगा। ओके, सेकेंड, क्रिएट अ सीरीज यूजिंग अरे। कि यदि आपके पास एक अरे है डेटा में, डेटा आपके पास अरे के फॉर्मेट में है, वो नंपाई का अरे हो सकता है, वो नॉर्मल पाइथन में अरे जो हमने पढ़ा है वो अरे हो सकता है, राइट। तो यदि आपके पास डेटा अरे के फॉर्मेट में है एंड यू वॉन्ट टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट ऑफ दैट अरे, सो दैट वील गो फॉर दिस सेकेंड कंस्ट्रक्टर व्हिच आर्गुमेंट टाइप इज अरे, ठीक है। थर्ड, लिस्ट। कि यदि आपके पास डेटा लिस्ट के फॉर्मेट में है, क्योंकि देखिए हम बात क्या कर रहे हैं, बेसिकली पांडास इज यूज फॉर डेटा एनालिसिस, समझना बच्चे, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि पांडास को हम यूज कर रहे हैं डेटा एनालिसिस के लिए। और डेटा एनालिसिस मतलब हमने पांडास के जब फीचर्स पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि पांडास इज द बेस्ट चॉइस टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कि जब आपके पास डेटा लार्ज अमाउंट फॉर्मेट में है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, सो दैट वी आर गोइंग टू यूज पांडास। ओके, वो डेटा 1D अरे के फॉर्मेट में हो सकता है, वो 2D अरे के फॉर्मेट में हो सकता है, वो 3D अरे के फॉर्मेट में हो सकता है, राइट। तो यदि आपके पास डेटा 1D फॉर्मेट है और लिस्ट है, सपोज यू हैव अ लिस्ट कलेक्शन, और आपको लिस्ट को सीरीज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है टू एक्सेस द मेथड ऑफ द सीरीज क्लास, क्योंकि अभी हम सीरीज क्लास की मेथड प्रॉपर्टी के बारे में भी बात करने वाले हैं, सो दैट वी विल गो फॉर दिस थर्ड कंस्ट्रक्टर। तो थर्ड कंस्ट्रक्टर जो है आपका, इट रिक्वायर डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। एंड लास्ट वन इज डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। कि यदि आपके पास डेटा डिक्शनरी के फॉर्मेट में है एंड यू वॉन्ट टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट ऑफ दैट डिक्शनरी डेटा, सो वील गो फॉर दिस फोर्थ कंस्ट्रक्टर। सो देर आर बेसिकली 4 कंस्ट्रक्टर्स आर अवेलेबल इन दिस सीरीज क्लास। तो एक एक करके अब हम इनके यूजर्स को देखते हैं एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि ये मैंने लिख रखी है कि वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सीरीज क्लास। कि सीरीज क्लास में इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है, साइज प्रॉपर्टी क्या है, नेम प्रॉपर्टी क्या है, एंडिम का क्या यूज है, अरे का क्या यूज है, मेमोरी अंडर स्कोर यूजेजेस का क्या यूज है। ओके, लेकिन उसके पहले वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं एम्प्टी सीरीज के बारे में। कि यदि मान लो मुझे एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड दैट इज एन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट, राइट। तो पहली बात, एम्प्टी सीरीज की रिक्वायरमेंट क्या है? यदि मान लो मुझे एम्प्टी सीरीज क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो मुझे इंपोर्ट करना है पांडास को। सी दिस वन, हाउ टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट हियर। सबसे पहले हमने पांडास को यूज किया, इंपोर्ट किया पांडास एज PD, इसका एलाइस नेम ले लिया PD के नाम से। एंड हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट माय सीरीज ऑब्जेक्ट। तो मान लो मैंने सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम रखा SR इक्वल टू PD डॉट सीरीज। तो ये जो भी आपने सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया है, दिट इज एन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट,
क्योंकि अभी हमने सीरीज के साथ कोई भी पैरामीटर पास नहीं करे। सो दिस टाइप ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो सपोज करिए अगर आप कोई मशीन लर्निंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, या सपोज अगर आप कोई भी पाइथन एप्लीकेशन बना रहे हैं, और सपोज अगर कोई मेथड है, ठीक है, देयर इज अ मेथड जिसका रिटर्न टाइप सीरीज ऑब्जेक्ट है, कि एक मेथड है, सपोज एक एक्स वाई जेड मेथड है, ये एक्स वाई जेड मेथड आपको रिटर्न कर रहा है सीरीज ऑब्जेक्ट, इसका रिटर्न वैल्यू जो है वो कोई ना कोई सीरीज ऑब्जेक्ट है, एंड दैट सीरीज ऑब्जेक्ट कंसिस्ट मल्टीपल वैल्यू। अब ये वैल्यू मुझे रिसीव करना है, तो यहां मुझे जो सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा वो तो एम्प्टी रहेगा ना, मतलब यदि किसी मेथड का रिटर्न टाइप सीरीज ऑब्जेक्ट है और उस सीरीज ऑब्जेक्ट को आपको रिसीव करना है, तो यहां पर हम हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, विल क्रिएट अ एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट हियर, एंड देयर आर मोर अनदर वेज, ठीक है, और भी तरीके हैं जहां पर हम एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। लेकिन सेकेंड कॉन्सेप्ट यह है कि यदि मुझे सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यूजिंग अरे, तो आप ध्यान से सुनना, यहां पर हम दो टाइप के अरे की बात करेंगे, एक अरे जो हमने नंपाई को लेके पढ़ा है, और एक अरे जो हमें पता है पाइथन में देयर इज अ क्लास कॉल्ड अरे क्लास, राइट, तो सॉरी मॉड्यूल कॉल अरे मॉड्यूल। तो दोनों को यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पे इंपोर्ट किया पांडास को, मतलब यूजिंग अरे हाउ वी कैन क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट, राइट। तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया इंपोर्ट पांडास, और आई होप आप सबने पांडास इंस्टॉल कर लिया है तो ही आप इस इंप्लीमेंटेशन को परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। सेकेंड हमने हमारा अरे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इंपोर्ट सपोज arr as अरे, ठीक है, ये हमने अरे ऑब्जेक्ट बना लिया, राइट। अब मुझे इस अरे से पहले तो अपना एक अरे क्रिएट करना है, तो सपोज यहां पर मैंने अपना एक अरे बनाया माय अरे के नाम से, ये पहला स्टेटमेंट हम पहला कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं यूजिंग अरे। सेकंड हम देखेंगे यूजिंग numpy, हमने numpy भी पढ़ा है, हमें पता है numpy से अरे क्रिएशन कैसे होता है, देयर इज अ मेथड कॉल्ड np.array इफ यू रिमेंबर, राइट। तो यहां पर अगर मैंने अपना एक अरे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया arr.array, और इस अरे को हम दो पैरामीटर देते हैं, फिर रिमेंबर एक तो टाइप ऑफ अरे क्या होगा और दूसरा अरे का डेटा। तो मान लो आपने दे दिया 10, 20, 30, 40 एंड 50, सपोज ये मेरा डेटा है। अब मुझे इस अरे को लेके मेरा सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन दिस अरे डेटा, अभी लिमिटेड डेटा है, ओके, बट हाउ टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग दिस अरे। तो सिंपली व्हाट वी कैन डू, हमने यहां पर अपना एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया, एंड सिंपली वी हैव टू राइट पीडी डॉट सीरीज, और ये आर्गुमेंट हमने इसको पास कर दिया माय अरे। दिस इज अ सिंपल वे टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग अरे। तो अब मैं इसके बाद अगर इस एसआर को प्रिंट करके देखता हूं, इफ आई प्रिंट दिस एसआर, तो यहां पर आप समझना मुझे डेटा कुछ इस तरीके से मिलेगा, समथिंग लाइक दिस 0, 1, 2, 3, 4, और जो मेरा डेटा है सपोज 10, 20, 30, 40 एंड 50, दिस इज व्हाट द डेटा आई एम गेटिंग हियर, ये रिजल्ट मुझे मिलेगा। तो ये जो 0, 1, 2, 3, 4 है, दिस आर व्हाट इंडेक्स नंबर एंड दिस इज व्हाट वैल्यूज, ये आपकी वैल्यूज है। तो हमने जो बात की थी कि सीरीज हमेशा डेटा आपको क्रिएट करके देगा रो और कॉलम के फॉर्मेट में, राइट। सो यदि आपका डेटा 1D अरे है, तो इट क्रिएट्स अ डेटा, मतलब इट स्टोर द डेटा इन दिस फॉर्मेट, कि जो सीरीज ऑब्जेक्ट होगा आपका वो डेटा को हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर पे स्टोर करेगा, बट इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम दिस वन, राइट। तो जब आपके पास कोई अरे है और उस अरे को अगर आपको सीरीज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, सो दिस इज हाउ वी क्रिएट एन सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग अरे। और यदि यही अरे सपोज आपके पास numpy के फॉर्मेट में है, कि सपोज अब मैंने बोला कि सर मुझे numpy अरे से सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ये भी बड़ा सिंपल है। देखो आप, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, और दूसरा हमने इंपोर्ट किया इंपोर्ट numpy एज एनपी। numpy मैंने आपको पढ़ाया है, और यदि आप numpy मॉड्यूल पे काम करना चाह रहे हैं numpy लाइब्रेरी पे, तो आपको इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा यूजिंग pip कमांड, बट आई होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा, क्योंकि हमने numpy के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा है, ठीक है। पाइथन में मैंने आपको numpy पढ़ाया है, सो आई होप आपके पास numpy लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है, ओके। एंड हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट माय अरे, तो मैंने फिर से वही लिखा माय अरे इक्वल टू एनपी डॉट, देयर इज अ मेथड कॉल्ड अरे मेथड। तो इस अरे मेथड को हमने हमारा डेटा दे दिया सपोज 10, 20, 30, 40, 50, सो इट क्रिएट्स एन अरे फॉर मी, सॉरी, ये मेरा अरे क्रिएशन हो गया, राइट। अब जो अरे बना है, अब मुझे इस अरे को दोबारा लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो सी द सेम कंसेप्ट, एसआर इक्वल टू पीडी डॉट विच क्लास सीरीज क्लास, और इस सीरीज क्लास के कंस्ट्रक्टर को हमने पास कर दिया ये अरे।
रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। अगर मैं इसके बाद भी सीरीज ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूं, इफ आई विल प्रिंट दिस सीरीज ऑब्जेक्ट, सो आई गेट द सेम वैल्यू, वही 0 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड 10 20 30 40 50, दिस इज द वैल्यू आई विल गेट। बट दिस इज हाउ टू कन्वर्ट अ सीरीज ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ नंपाय अरे। कि अगर आपके पास अरे नंपाय है और नंपाय अरे को आप सीरीज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सो दिस इज हाउ टू क्रिएट, मतलब दिस इज व्हाट सीरीज यूजिंग numpy, ये कॉन्सेप्ट है सीरीज यूजिंग numpy, ठीक है। इसके पहले जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था वो कॉन्सेप्ट था सीरीज यूजिंग अरे, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए सीरीज यूजिंग अरे। तो ये केवल हम क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रक्टर आर अवेलेबल इन सीरीज क्लास। कि सीरीज क्लास एम्प्टी कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, सीरीज क्लास में कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है जो आपसे अरे मांग रहा है, ठीक है। तो हमने दो तरीके से देखा, यदि आपके पास नंपाय अरे है तो सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, और यदि आपके पास नॉर्मल अरे है तो सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। अरे समझ बेटा समझ, क्योंकि बात हो रही है डेटा कलेक्शन की, और पांडास में अगर आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं और अगर आपके पास सीरीज है तो सीरीज 1D फॉर्मेट में डेटा कलेक्ट करता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। थर्ड, यदि सपोज मेरे पास लिस्ट है, ठीक है, मतलब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज यूजिंग लिस्ट। ये तो बड़ा सिंपल है कि अगर आपके पास कोई लिस्ट डेटा है, ठीक है, फिर हमने वही किया इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है, और अब मेरे पास जो डेटा है वो एक लिस्ट में है। सपोज वी हैव अ माय लिस्ट, और इस माय लिस्ट में आपके पास डेटा है, सपोज माय लिस्ट इक्वल टू सपोज ये डेटा है, सपोज 100 200 300, ये कलेक्शन हमने पढ़ा है 400 500, ठीक है। अब आपके पास डेटा लिस्ट फॉर्मेट में है एंड यू वांट टू कन्वर्ट दिस लिस्ट इनटू सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सीरीज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, और अब इस सीरीज को हम पास कर देंगे एज अ आर्ग्यूमेंट माय लिस्ट। तो यदि हमने सीरीज को माय लिस्ट एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है, so this is what we are calling third constructor of the series class whose argument type is list. कि आपने अरे नहीं दिया, this is the list collection. कि यदि आपके पास Python में data list format में है, and you want to create list object into series object, so that we'll go for this third constructor. इसके बाद भी अगर मैं series को print करके देखता हूँ, तो result मुझे same मिलेगा. If I'll print this series object, so again I'm get the same result 0 1 2 3 4 5, and this is 100 200 300 400 and 500. तो अगेन दिस इज अ इंडेक्स नंबर एंड दिस वन इज अ वैल्यू हियर, ये मेरा इंडेक्स नंबर है, ये मेरी वैल्यूज हैं। सो दिस इज हाउ टू कन्वर्ट अ लिस्ट इनटू सीरीज ऑब्जेक्ट, बड़ा आसान तरीका है यार। तो आप देखिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि पांडास आपको हर तरीके से सीरीज ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑप्शन दे रहा है। एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, अरे से सीरीज ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, नंपाय अरे से सीरीज ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट से सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और फोर्थ एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट एंड दैट इज व्हाट, कि यदि आपको सीरीज क्रिएट करना है यूजिंग डिक्शनरी, कि अगर आपके पास डिक्शनरी है और आपको डिक्शनरी से सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सो हाउ विल कन्वर्ट अ डिक्शनरी इनटू सीरीज ऑब्जेक्ट। तो देखो आप, बड़ा सिंपल सा तरीका है ये भी। फिर हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पांडास, एंड सपोज वी हैव डिक्शनरी है, मान लो मैं डिक्शनरी का नाम रख देता हूं माय डिक्शनरी इक्वल टू डिक्शनरी फॉर्मेट हमने पढ़ा है। तो सपोज यहां पर हमने लिया है कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हम स्टोर करना चाह रहे हैं, उसका आईडी और नेम। तो सपोज ये डेटा मेरे पास इस फॉर्मेट में है, आईडी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, एंड सेकेंड वी हैव, सपोज मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट लाइन पे ले रहा हूं, नेम, ठीक है, एंड नेम कॉलन, and here we have a different name, suppose Vivek we have, then comma Rahul we have, aap single line mein le lena isko, Amit we have, four index hai, five hai, to aapko five index lena hai, do index value aur le lijiye, ye do value, theek hai, and this one। ab ye mere paas jo data hai ye dictionary format mein, id hamare paas hai 1 2 3 4 5, and similarly five name we have, Vivek, Rahul, Amit, Nilesh, Neeraj, whatever, ठीक है, ये पांच नाम आपके पास हैं, ठीक। यहां पर आप दो नाम और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है,
या मिथ है, देन कॉमा नेक्स्ट नेम, इसको मैं लिख ही देता हूं, ठीक है, कुछ इधर से ले लेता हूं मैं राहुल के पास, सपोज नेक्स्ट नेम वी हैव अमित, देन कॉमा विजय एंड देन कॉमा सपोज मोहन, ये हमारे पास नाम है, ठीक है, और ये मेरा लिस्ट कलेक्शन है। तो अब मेरे पास जो डेटा है वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में, सॉरी नॉट द लिस्ट, इट्स अ डिक्शनरी, जहां पर हमारे पास आईडी है, नेम है, और आप चाहें तो डिक्शनरी अपने हिसाब से पूरी बना सकते हैं, आईडी, नेम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर। बट नाउ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस लिस्ट इंटू सीरीज ऑब्जेक्ट, सॉरी दिस डिक्शनरी इंटू सीरीज ऑब्जेक्ट। तो फिर क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे, पीडी डॉट सीरीज हम कॉल कर लेंगे, लास्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस सीरीज, लास्ट फर्स्ट मतलब हमारे हिसाब से लास्ट फर्स्ट है मायडिक्ट। तो जैसे ही आप सीरीज क्लास के कंस्ट्रक्टर को मायडिक्ट पास करोगे, इट विल क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट विद दिस डिक्शनरी वैल्यू। तो जितने भी डिक्शनरी वैल्यूज हैं उनको लेके आपका ये सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, सी दिस वन। तो यदि मैं प्रिंट करता हूं सीरीज ऑब्जेक्ट को, सो आई विल गेट ऑल द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, हियर मुझे सारी आईडीज मिलेंगे और मुझे सारे नेम मिल जाएंगे। सो दिस इज हाउ टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग डिक्शनरी। तो कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब हम डेटा एनालिसिस के लिए डेटा को यूज करेंगे, और अगर आपका डेटा 1D अरे के फॉर्मेट में है और आप पांडास को यूज करना चाह रहे हैं, तो सीरीज इज द बेस्ट चॉइस। ठीक है, एक बार डिस्कस करते हैं हम लोगों ने क्या क्या ऑप्शन अभी तक देखे। विल टॉक अबाउट दिस इज व्हाट डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ सीरीज, कि कितने तरीके से हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो सीरीज क्रिएशन के मैंने आपको चार ऑप्शन बताए थे, ठीक है, फर्स्ट वन इज एम्प्टी सीरीज, सेकंड वन इज सीरीज यूजिंग अरे, थर्ड वन इज सीरीज यूजिंग लिस्ट, एंड फोर्थ वन इज सीरीज यूजिंग डिक्शनरी। और इसके अभी हमने एग्जांपल भी देखे कि एम्प्टी सीरीज कब क्रिएट करना है, व्हेन वी शुड गो फॉर अ सीरीज यूजिंग अरे, जहां पर हमने दो तरीके से कॉन्सेप्ट देखे, यूजिंग अरे एंड सेकंड वन यूजिंग नंपाय अरे। ठीक है, कि अगर आपके पास नंपाय अरे, ये एम्प्टी सीरीज का एग्जांपल है, ठीक है, ये है अपना अरे, ठीक, यूजिंग अरे जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि हाउ टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग अरे। सिमिलरली यदि आपके पास नंपाय अरे है, सो हाउ टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग नंपाय अरे, कि नंपाय अरे को लेके सीरीज ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। फिर हमने बात की थी लिस्ट के बारे में, कि यदि आपके पास एक लिस्ट है तो हाउ टू कन्वर्ट अ लिस्ट इनटू सीरीज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमने देखा सीरीज यूजिंग लिस्ट, कि अगर आपके पास लिस्ट ऑफ डेटा है तो लिस्ट ऑफ डेटा को सीरीज ऑब्जेक्ट में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि देखिए, जब आप डेटा एनालिसिस टूल्स को यूज करेंगे, जब आप ML में, मशीन लर्निंग में डेटा एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, तो इवन यू डोंट नो कि आपके पास डेटा डिक्शनरी होगा, लिस्ट होगा, अरे होगा, तो कोई बाउंडेशन ना रहे, दैट्स व्हाई वी यूज दिस पांडास हियर। ठीक है, क्योंकि हर तरीके से हमारे पास सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन है। एंड लास्ट हमने देखा यूजिंग डिक्शनरी, कि यदि आपके पास डेटा डिक्शनरी के फॉर्मेट में है एंड यू वॉन्ट टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिक्शनरी, सो हाउ वी क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग डिक्शनरी। So this is the ways to create a series object in pandas. तो I hope concept आपको समझ में आया होगा, और अगर concept समझ में आया है तो please video दोस्तों के साथ share करिए। और इसके बाद जो भी हम आगे देखने वाले हैं, this is what the properties of the series, कि यदि आप series object create करते हैं तो उसमें index property का क्या use है, how many ways we use index property with the series, ठीक है, then we'll talk about नेम प्रॉपर्टी क्या होती है, देन विल टॉक अबाउट साइज प्रॉपर्टी का क्या यूज है। तो चलिए बात करते हैं इसके बाद वाली क्लास में, इसके नेक्स्ट लेक्चर में, प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज की। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पांडास इतना सिंपल और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका यूज मेरे ख्याल से आपको जब ये पढ़ लेंगे ना आप, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट द फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।